बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज मैं आपके लिए बीफ मगज़ की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैंने बड़ा बीफ मगज़ लिया है यानी कट्टे का। तो इसकी रेसिपी, मगज़ की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये कैसे बनेगी और किन किन चीज़ों से बनेगी आज मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है और जो इससे मगज़ का दिमाग में इजाफा होता है खाने से, और एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ पर मैंने एक कप घी का लिया है, फ्लेम को ऑन कर देते हैं और घी को गर्म कर लेना है। जैसे घी गर्म होता है फिर मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह घी जो है हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें प्याज डाल देने में इस तरह, एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसे मैंने काट लिया था, ये डाल देना है इस तरह। इसी तरह हम प्याज को फ्राई करेंगे, तो इसका कलर चेंज करना है। जैसे ही कलर चेंज होता है फिर मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है चेंज, आप देख सकते हैं, कैमरा नज़दीक लाओ यहाँ पे इस तरह। अब इसमें जो मैंने एक बड़े साइज का लाल टमाटर काटा था ये डाल देना है इस तरह नीचे रख देना। तो अब इसमें जो मैंने कुछ मिर्च मसाले लिए ये डाल देने, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और 1 टी स्पून मैंने ज़ीरा मसाला और जो साबुत धनिया है इसको ग्राइंडर कर लिया था, 1 टी स्पून मैंने ये लिया है। ये सब मसाले इसमें डाल देने। तो आज जो कुछ तबीयत की वजह से तबीयत ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है, इसलिए बोलने में दुश्वारी हो रही है। तो अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल देना है इस तरह। तो इसी तरह ये मसाला जो है ग्रेवी मसाला तैयार कर लेना है, जैसे ही तैयार होता है तो इधर मसाला तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऊपर से इसके ऊपर ढक्कन लगा देना इस तरह। तो 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, जैसे ही तैयार हो जाता है उतनी देर में जो ये जो मगज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मगज़ मैंने लिया है इसको अच्छी तरह वाश कर लेना है। तो जैसे ही ये वाश करके फिर मैं मिलता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मगज़ को मैंने वाश कर लिया है। तो अब किसी यहाँ पे देख सकते हैं, तो या कि इस तरह का कोई बर्तन हो या हाथ की मदद से इसको एक दफ़ा इस ऐसे कर लेना है, ऐसे ऐसे इस तरह लाजमी करना है ताकि जो मगज़ होगा है, वरना इस तरह एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी तरह इसको सारा तैयार कर लेना है, फिर मैं दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ग्रेवी मसाला प्याज का वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमने मगज़ को भी इस तरह बना लिया है। तो ये अब इस मगज़ को इसमें डाल देना है इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये अच्छी तरह साफ कर लेना बर्तन जो है इस तरह। अब इसको अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लेना है, इसको नीचे रख देना इधर इस तरह। इसी को 5 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट पकाने के बाद इसकी ये लुक आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें काटी हुई मैंने सब्ज़ी मिर्चें ली है 2-3, ये डाल देनी है इस तरह। तो अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देना है जो मेरे पास काटा हुआ था इस तरह। तो सिर्फ ये 10 मिनट में तैयार हो जाती है ये रेसिपी। तो ये खाने से जो इंसान का जो मगज़ है, दिमाग है, वो बहुत ही फ्रेश रहता है और उसको ताकत मिलती है। तो ये इसको 2-3 मिनट और बनाएंगे, पकाएंगे तो ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो 2 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर
मगज़ की जो रेसिपी है हमारी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और यहाँ पे घी भी छोड़ रही है कढ़ाई, मगज़ जो घी छोड़ रहा है। तो अब फ्लेम को बंद कर देते हैं इस तरह, तो 2 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ देते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इनकी डिश तैयार करते हैं, चम्मच को बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो माशाल्लाह इस तरह, तो इसी तरह डिश तैयार करके फिर मैं दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, मगज़ की जो, इसे पंजाबी में हम भेजा भी कहते हैं, मगज़ की रेसिपी, जो बीफ मगज़ की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो आज की, अगर आज की हमारी जो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मैं भी अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।